सो गाइज, रिसेंटली मैंने सैमसंग गैलेक्सी M31 की अनबॉक्सिंग किया हूँ, और जैसे कि आप लोग जानते हैं इसमें जो प्रोसेसर है वो एक्जीनोस का प्रोसेसर है, एक्जीनोस 9611 प्रोसेसर। ये एक डेढ़ साल पुराना प्रोसेसर है, लास्ट ईयर जो सैमसंग गैलेक्सी M30S था उसमें भी यही सेम प्रोसेसर था। और मैं इस प्रोसेसर की कैपेबिलिटी चेक करना चाहता हूँ, तो आज इस वीडियो में मैं खेलने जा रहा हूँ पबजी स्मार्टफोन में। तो चलो देखते हैं किस तरह से हम पबजी स्मार्टफोन में खेल सकते हैं, और मैं टेम्परेचर टेस्ट भी करूँगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये डिवाइस ओवरहीट होता है या नहीं। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज अ पबजी टेस्ट ऑफ दिस सैमसंग गैलेक्सी M31। सो लेट्स बिगिन। सो गाइज, ये है सैमसंग गैलेक्सी का M31। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसके अंदर एक्जीनोस का 9611 प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर, बट गाइज ऑलमोस्ट डेढ़ साल पुराना है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, और जो प्रोसेसर है वो 10 नैनोमीटर पे बना है। बाकी अगर मैं बात करूँ GPU की, तो इसमें माली G72 का GPU मिलता है हमें। तो अभी हम उस प्रोसेसर और उस GPU का पूरा टेस्ट करेंगे। उसमें 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज दिया हुआ है। चलो अब ओपन करते हैं पबजी मोबाइल और देखते हैं किस तरह से इसका परफॉर्मेंस आता है। बाय द वे गाइस, जो स्पीकर है वो इधर पे दिया हुआ है, तो बहुत ही आसानी से हम स्पीकर को ब्लॉक कर सकते हैं। ओके गाइस, तो सेटिंग में जाके, ग्राफिक सेटिंग में जाके, जैसे आप लोग देख पा रहे हो अगर मैं स्मूथ पे रखता हूँ तो हमें एक्सट्रीम का भी ऑप्शन मिलता है। FPS में एक्सट्रीम बोले तो 60 FPS का फ्रेम रेट्स, और HDR पे हमें अल्ट्रा भी है। तो अल्ट्रा HD तो अवेलेबल नहीं होगा डेफिनेटली, बट HD में भी अल्ट्रा है, बैलेंस में भी अल्ट्रा है। अगर स्मूथ पे करेंगे तो हमें एक्सट्रीम का FPS मिलता है देखने को। अच्छा ठीक है यार, मतलब कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, नाइस एक्चुअली में, और डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और हाँ, एक बात बोलना था थोड़ा, अभी मैंने रिसेंटली हिंदी में वीडियोस बनाना चालू किया है, तो अगर थोड़ा ऐसा वर्ड ज़्यादा टेढ़ा हुए तो थोड़ा संभाल लेना, थोड़ा थोड़ा जिटर्स देखने को मिल रहा है, बट स्टिल गाइस सैमसंग का फ़ोन हो भी 15,000 रुपये में, और क्या चाहिए आप लोगों को। हैशटैग मस्त वाला लोग अभी सुन लिए ना तुम लोग ने मुकेश भाई को, अभी जो बोले मुकेश भाई करके बताओ जरा। और गाइस, वीडियो का लाइक का टारगेट है यहाँ पर आपको देखने मिलता है 1099 लाइक्स का, तो पूरा कर दो गाइस, मुकेश भाई के नाम पे लाइक का टारगेट पूरा कर दो। गाइज फ़ोन काफ़ी गर्म हो चुका है, लिटरली मेरे को फील हो रहा है बैक पे कि फ़ोन गर्म हो रहा है। गाइज ये टेम्परेचर मीटर है, तो जैसे एम्बियंट टेम्परेचर 28 degrees है, और अगर मैं फ़ोन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 35 degrees Celsius पहुँच चुका है फ़ोन इधर पे। कैमरे में, कैमरे के आसपास 28 degrees है। व्हाट, अच्छा नहीं, ये देखो 36-37 degrees Celsius, 38। अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो 31 degrees, डिस्प्ले तो ज़्यादा गर्म नहीं है, 39 degrees। ओके तो गाइस डिस्प्ले भी गर्म हो गया है। चलो अभी हम और आगे बढ़ते, देखते क्या है। वेल, ज़्यादा तो मैं गेम में एक्सपर्ट हूँ नहीं, एकदम एकदम अच्छा वाला, मतलब बेस्ट वाला जो नूब होता ना वो, तो ज़्यादा जज नहीं करना, बट परफॉर्मेंस के हिसाब से मार दिया मेरे को। बट गाइज परफॉर्मेंस तो इतना कुछ खास था नहीं, स्पेशली HDR में, और वो जो हम एक्सट्रीम लेवल पे खेल रहे थे इसमें क्या बोलते हैं स्मूथ सेटिंग में, तो वो ठीक था। अभी मैं एक TDM का मैच खेलता हूँ छोटा सा, फिर हम उसमें भी सेटिंग्स देख लेंगे क्या है कैसा। सो गाइस, मैं हूं मुकेश, और मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से एक बात पूछना चाहूंगा कि आप लोगों के एरिया में अभी कांदे के भाव क्या चल रहे हैं, लाइक टमाटर जो प्याज होता है उसका भाव क्या चल रहा है, कि लिटरली उसने एकदम वे आसमान छू लिया था। मेरे एक वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था, और लिटरली मुझे दुनिया भर के कमेंट्स आए, मतलब 70 रुपया 80 रुपया 200 2000 पता नहीं क्या। सो अभी आप लोग यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताओ कि प्याज के भाव क्या चल रहे हैं। वेल गाइस, ग्राफिक को तो मैंने HD पे कर देता हूँ, अल्ट्रा पे ही रखता हूँ ताकि थोड़ा मेरे को फ्रेम रेट्स अच्छे मिले, बट मैंने HDR से हटा के उसको HD पे कर दिया है। तो अभी चलो देखते हैं किस तरह से, अभी तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। गाइज मतलब मज़ा नहीं आ रहा यार इतना, काफ़ी जिटर्स आ रहे हैं।
बंदा कहाँ खड़े होके मार रहा, देख रहे हो? क्या मार रही है पब्लिक यार, ओके इनके टीम वाले सब मिल के मार रहे। अभी तक मैंने एक किल किया खाली इतने देर में। वेल द परफॉर्मेंस इज नॉट दैट ग्रेट, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना तो कुछ खास नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ग्राफिक को हाई पे रख देता हूँ, फ्रेम रेट्स को बेसिकली, तो हम लोग उससे देखेंगे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं। काफी मैनेजेबल हो गया एक्चुअली गेम। बे कहाँ हो बे, मार दिया उसने मेरे को। ये गन अच्छी है, जो भी गन है ये बहुत मस्त है। बे मर जा मर जा मर जा साले मर जा मर जा मर जा मर जा मर जा। ओके मार दिया मैंने उसको बट उसने भी मेरे को मार दिया, चलो कोई नहीं। ये भाई मेरे को खेलने आ गया थोड़ा थोड़ा मैं भी मार रहा है ये जो क्लॉ ग्रिप है गाइस, ये मुझे इतना अच्छे से आता नहीं है, मतलब मेरे को गेम ही नहीं खेलना आता अच्छे से, अच्छे से क्या मतलब, लेकिन ये क्लॉ ग्रिप में थोड़ा जम रहा है खेलने को। ओके एक और को मार दिया, अवेंजर टर्मिनेटर देख लो क्या क्या बोल रही पब्लिक। ओ भाई नजर हटी, दुर्घटना घटी वाला सीन हो गया मेरे साथ। ओह ये येलो वाला बंदा बहुत मारता है, लैंड एम्पायर पता नहीं लैंड एम्पायर कुछ। ये 60-40 किल का मैच रहता ना, भाई सुनो को बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे को ये भी बोलो, मैं तो मालूम पड़ा फोकस फोकस हो रहा नहीं है और मैंने प्रॉपर ये लगाया भी नहीं है, आई मीन प्रॉपर अभी स्क्रीन वगैरह है नहीं मेरे को देखने के लिए, तो मेरे को बार बार घूम के देखना पड़ेगा। ए भाई मर जा मर जा। अबे कितने नखरे कर रहा है बे लड़की लोग की, माफिक मारता नहीं है सर।
ओके ओके भाई 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 भाई, ये थॉर भाई, थॉर देख रहे हो, साक्षात थॉर भगवान नीचे उतर आए। कहाँ भैया तुम भाई, क्या मारा है ओके एक नंबर से हार गए, देख रहे हो गाइज, एक नंबर से आ गए 39-40। बट गाइज बिलीव मी, गेम प्ले उतना कुछ बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं था। मैं आप लोगों को एक टेम्परेचर टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देखो ये जो ये एम्बियन टेम्परेचर है कुछ 27 डिग्री सेल्सियस है, और फ़ोन का बैक जो है वो 35-38 डिग्री है। ओवर हीट नहीं है बट गाइज लिटरली हाथ में फील हो रहा है वार्मनेस, ऐसा मैं ओवर हीट तो नहीं बोलूँगा। और स्क्रीन का भी टेम्परेचर लगभग 38 डिग्री सेल्सियस है, 37-38 डिग्री, देख रहे हो। साइड की बात करें तो साइड का भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट उतना ही है, 38 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं ये एप्लीकेशन से आप लोगों को बैटरी का टेम्परेचर दिखाऊं तो करेंटली बैटरी का टेम्परेचर 35 डिग्रीज है। बहुत ही ज़्यादा ये शॉकिंग था मेरे लिए 35 डिग्रीज देख के, बट ओवरऑल गाइज गेम प्ले ठीक था। अगर आप लोग सैमसंग के लवर हो और आप लोगों को पबजी खेलना पसंद, तो एक गेम प्ले करवा देगा। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बहुत मज़ा आएगा गेम प्ले करने में, लेकिन आप एक मतलब डिसेंटली खेल सकते हो गेम पबजी का। आप लोगों को बहुत मज़ा नहीं आएगा, लेकिन इसकी बैटरी बहुत बड़ी है तो बहुत देर तक गेम प्ले चला सकते हो। तो गाइज़ अगर आप लोगों को पबजी मोबाइल का गेम प्ले FPS मीटर के साथ में देखना है, वो भी हिंदी में, तो मैं आप लोगों को टैकी पाठशाला AKA मुकेश भाई की वीडियो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। मैं आई कार्ड में उसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी बस इतना ही बोलना था गाइज़, मतलब ठीक है, ऐसा कुछ बहुत ही मज़ेदार नहीं लगा मुझे, बस ठीक लगा, ओके ओके लगा इसका गेम प्ले। तो आप लोग डेफिनेटली एक बार आप बोल सकते हो ना, अगर आप लवर हो तो आप ले सकते हो, नहीं तो फिर इग्नोर करो ये फ़ोन को, दूसरा फ़ोन देखो 730G या फिर कुछ अच्छे प्रोसेसर वाला। एक्जिनोस पे मेरे को इतना भरोसा नहीं है, बाकी एक्जिनोस क्या, एक्जिनोस तो मेन नहीं है, मेन माली GPU उस पर मेरे को इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। बस इतना ही बोलना था गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, और जो मुकेश भाई ने टारगेट दिया है उसे पूरा करो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। तो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर और भी इसी तरीके से अमेजिंग क्वालिटी की टेक वीडियोज आप लोगों को देखनी है, वो भी एकदम ऑनेस्ट वीडियोज, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटे का भी बजा दो, ताकि फ्यूचर में इसी तरह से अमेजिंग क्वालिटी की टेक वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय।